नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर नेपाल के लिए मिस वर्ल्ड 2021 के स्टेज से आ रही है, क्योंकि मिस वर्ल्ड 2021 पोस्टपोन्ड हो चुका है। जी हाँ, आपने सही सुना, जी हाँ, मिस वर्ल्ड 2021 को रोक दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आज 17 दिसंबर को सुबह 5 बजे करीबन इसका फाइनल होना था, जिसमें हमको मिलने वाली थी 2021 के मिस वर्ल्ड, जिसमें नेपाल की नम्रता श्रेष्ठ भी शामिल थी और उन्होंने टॉप्स में अपनी जगह बना ली थी। साथ ही उन्होंने ब्यूटी विद पर्पस प्रोजेक्ट में भी टॉप 10 में जगह बनाई थी, जिसके बाद नेपाल की नम्रता श्रेष्ठ के ऊपर सभी की नजरें थी और आशा कर रहे थे कि इस बार नम्रता शायद मिस वर्ल्ड का खिताब नेपाल के नाम ले आए। लेकिन कोविड के चलते मिस वर्ल्ड 2021 को पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि 17 से भी ज्यादा कंटेस्टेंट को कोविड पॉजिटिव पाया गया। तो मिस वर्ल्ड जहां पर हो रहा है प्यूर्टो रिको में, वहां पर मिस वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज करने वाले स्टाफ में साथ ही साथ कंटेस्टेंट में कोविड संक्रमण फैल गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से 17 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से कुछ कंटेस्टेंट भी हैं। मिस मलेशिया, मिस इंडिया, मिस इंडोनेशिया, ये तीनों कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। साथ साथ मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ कोविड नेगेटिव पाई गई हैं और इस कार्यक्रम को अभी रोक दिया गया और सभी कंटेस्टेंट को अपने देश वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि ये मिस वर्ल्ड 2021 अब पोस्टपोन्ड हो चुका है और कहा जा रहा है कि इसको 3 महीने के अंतराल में किया जाएगा अगर स्थिति सही रहती है। लेकिन जिस तरह से अभी संक्रमण फैला है उसके चलते इसको पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, यानी कि फिनाले अभी नहीं होगा और हमें वेट करना पड़ेगा मिस वर्ल्ड 2021 के लिए। तो आपको कैसी लगी अपडेट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।